हेलो एवरीवन। हां जी, लास्ट लेक्चर में हमने किया था गिब्स एनर्जी। डेल जी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और डेल जी इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस एन एफ ई नोट सेल। एन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, एफ फैराडे कांस्टेंट है, और ई नोट सेल हमारे पास होता था स्टैंडर्ड कंडीशन पर डेल जी नोट, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में निकाल रहे थे। डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के सी। क्लियर है? ये हमने रिलेशनशिप की थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में। आज हम इसके बिहाफ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो आपके पेपर में भी रिपीट हुए हैं, ठीक है, और आपके लिए बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फॉर द रिएक्शन एंड मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फॉर द रिएक्शन। हां जी, रिएक्शन हमें गिवन है Zn plus Cu positive 2 Cu plus Zn positive 2। फिर हमें देखता है वो गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, गिवन है ई नोट Zn पॉजिटिव 2 से Zn, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक -0.76 वोल्ट एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu पॉजिटिव 2 से Cu +0.34 वोल्ट। फैराडे उसने गिवन है, फैराडे की वैल्यू गिवन है 96,500 कूलम पर मोल। फिर वो बोलता है आल्सो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बी पार्ट, आल्सो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक है। हां जी, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले उसने बोला है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालना है और मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फॉर द रिएक्शन, ठीक है। यहां पर आपको देखना मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल, कितना वर्क ऑब्टेन किया है रिएक्शन ने, ठीक है। अगर वर्क ऑब्टेन किया है तो इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था डेल जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो डेल जी नेगेटिव होता है हमारे पास, और जो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो हमारे पास क्या होगा, डेल जी पॉजिटिव होगा, ठीक है। हां जी, सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बताना है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल के बराबर होगा, ठीक है। हां जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, या फिर हमें पता ही है हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग बड़े में से छोटा घटा देना है रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड में कौन जा रहा है, जिसकी रिडक्शन हो रही है कॉपर की रिडक्शन हो रही है Cu पॉजिटिव 2 से Cu, क्लियर है। और ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी, जिंक की, ठीक है। हां जी, रिडक्शन ई नोट कैथोड क्या है 0.34 वोल्ट माइनस, हां जी जिंक का क्या है माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट, क्लियर है। ये हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास 1.10 वोल्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास क्या आया 1.10 वोल्ट, क्लियर है। हां जी, अब हम वैल्यू में पुट करते हैं डेल जी नोट,
वैल्यू पुट करते हैं हम हमारे पास है डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। हां जी एन की वैल्यू हमें निकालनी है, मुझे रिएक्शन गिवन थी जेड एन प्लस सी यू पॉजिटिव टू से जेड एन पॉजिटिव टू प्लस सी यू, मैंने देखा एट एनोड जेड एन से गया ये जेड एन पॉजिटिव टू, डिफरेंस कितने का, यहां पर जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है जिंक का, यहां पर प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर है, तो डिफरेंस कितने का है टू का, तो दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं लूज किए हैं, क्लियर। हाँ जी ऐसे ही हम कॉपर में देखेंगे सीयू पॉजिटिव टू से सीयू प्लस टू से जीरो जा रहा है, तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तो एन की वैल्यू क्या आई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए टू, एन की वैल्यू आई हमारे पास टू, तो ये आ गया मेरे पास डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस टू इंटू 96,500 कूलम पर मोल, यूनिट का साथ में ही ध्यान रखना आपको। ई नोट सेल, ई नोट सेल आपके पास आया है 1.10 वोल्ट, क्लियर है, तो ये आपके पास आ गया है -212 -212 300 कूलम वोल्ट पर मोल, कूलम वोल्ट पर मोल, ठीक है। और अब आपको पता है जो कूलम वोल्ट है, कूलम इनटू वोल्ट है, वो किसके इक्वल होता है जूल के, ठीक है। हां जी तो ये आया -212 300 जूल पर मोल, क्लियर है। इतनी एनर्जी आई है किसकी, गिब्स एनर्जी की वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हमारे पास आई है -212 300। लेकिन अभी उसने क्या बोला था, अभी उसने बोला था कि मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल, कितना वर्क ऑब्टेन्ड किया है, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, लेकिन इससे क्या हमारे पास प्रूव हो रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम, नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। उसने पहले ही बोल दिया ऑब्टेनेबल, तो उसने क्या किया पॉजिटिव वैल्यू आएगी किसकी, डेल जी की, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इसको डेल जी नोट इज इक्वल टू प्लस 212.3 किलो जूल, क्लियर है, किलो जूल पर मोल, डेल जी नोट की वैल्यू आएगी 212.3 किलो जूल, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी ये हमारे पास आ गई है गिब्स एनर्जी। फिर सेकंड उसने क्या बोला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपको बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बताना है आपको, ठीक है। हाँ जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसके साथ क्या रिलेशनशिप है गिब्स एनर्जी के साथ, डेल जी नोट इज इक्वल टू होता है -RT लॉन केसी, या फिर मैं लिख सकता हूं डेल जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग ऑफ केसी, क्लियर है। हां जी वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू क्या होगी 8.314 जूल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। हां जी वैल्यू पुट करते हैं, डेल जी आया आपके पास -212 300 जूल पर मोल इज इक्वल टू -2.303 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। हां जी टी है आपके पास 298 केल्विन, ठीक है, टी गिवन है, स्टैंडर्ड कंडीशंस है आपके पास, स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो टी क्या होगा 298 केल्विन इनटू लॉग केसी, ठीक है, इनटू लॉग केसी, ठीक है, पर मोल से पर मोल कैंसल आउट हो गया है आपका, ठीक है, पर केल्विन से केल्विन कैंसल आउट हो गया है, जे से जूल कैंसल आउट हो गया है, तो ये आ गया आपके पास लॉग केसी इज इक्वल टू -212 माइनस से माइनस कैंसल हुआ 212 300 डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, क्लियर है। हां जी तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है 37.20
20, क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूं log kc इज इक्वल टू 37.20, ठीक है। एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग, हां जी आपके पास वैल्यू आ गई है log of kc इज इक्वल टू 37.20, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग ऑफ लॉग केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 37.20। हां जी एंटी लॉग से लॉग कैंसल आउट हुआ तो केसी इज इक्वल टू क्या आया, एंटी लॉग ऑफ 37.20, एंटी लॉग ऑफ 37.20 जिसकी वैल्यू आती है 1.6 × 10⁻³, क्लियर है। ये आपके पास आंसर आ गया किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपके पास आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल सीक्वेंस से चलना है, ठीक है, कोई भी आपसे गलती नहीं होगी इसमें। हाँ जी एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं, एंटी लॉग निकालने के लिए भी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो आप रेगुलरली इसको देखते रहिए। हाँ जी न्यूमेरिकल है नेक्स्ट हमारे पास, एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, एस्टिमेट है एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस needed to reduce Al2O3 at aluminium oxide at 500 degrees Celsius. The free energy change for the decomposition reaction is हां जी free energy change है 2/3 Al2O3 से 4/3 Al plus O2। हाँ जी डेल जी आपको गिवन है +960 kJ, फेराडे की वैल्यू है एफ इज इक्वल टू 96,500 कूलम पर मोल, ठीक है। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है। बोलता है एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मिनिमम पूछा है उसने, ठीक है। अभी बताएंगे उसने मिनिमम क्यों बोला, इसने मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस, फ्री एनर्जी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज 960 kJ, ठीक है। हां जी सबसे पहले तो हम Al2O3 के रिएक्शन देखते हैं, डिकम्पोजिशन देखते हैं। Al2 दो तरह से इसकी डिकम्पोजिशन हो सकती है, Al2O3 से Al 2Al प्लस 3/2 O2, ये भी इसकी डिकम्पोजिशन हो सकती है, क्लियर है। हां जी यहां पर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर Al का, Al का ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पर 2x प्लस ऑक्सीजन पे चार्जेस -2 × 3 इजकल टू 0, x इजकल टू आपके पास आ गया है 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस 3, यहां पर क्या है 0, तो ये क्या हुआ रिड्यूस हुआ है, ठीक है, ये क्या हुआ रिड्यूस हुआ है। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालते हैं हम, हां जी ऑक्सीजन का यहां पर आएगा 3x प्लस
टू इंटू एल्यूमिनियम भी हो गया प्लस थ्री चार्ज प्लस थ्री इजकल टू जीरो, तो थ्री एक्स इजकल टू माइनस सिक्स, एक्स इजकल टू माइनस टू माइनस टू, और यहां पर जीरो है इसका चार्ज। तो मैंने देखा जो Al2O3 है, Al2O3 है वो Al में जा रहा है, डिफरेंस कितना तीन का है डिफरेंस, ठीक है, और एक Al के लिए तीन का डिफरेंस है तो दो के लिए कितने का होगा, सिक्स का डिफरेंस आएगा, ठीक है, दो के लिए सिक्स का डिफरेंस आएगा। हां जी, यहां पर मैं देखता हूं ऑक्सीजन है, यहां पर भी कितने हैं थ्री है, यहां पर भी कितने हैं थ्री है, टू से टू कैंसल आउट, तो थ्री ऑक्सीजन है। मैंने देखा ऑक्सीजन का डिफरेंस माइनस टू है और जीरो है, टू का डिफरेंस आया, एक ऑक्सीजन के लिए टू का डिफरेंस आया तो तीन ऑक्सीजन के लिए कितने का आएगा, सिक्स का आएगा, ठीक है। तो यहां पर उस डिफरेंस को ही हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग, तो यहां पर एन इजकल टू क्या आता है, सिक्स आता है, क्लियर। हां जी, अब हम सेकेंड डिसोसिएशन देखते हैं, टू बाय थ्री Al2O3 से 4/3 Al प्लस O2, ये है मेरे पास रिएक्शन जो आपको दी गई है। हां जी, इसमें देखते हैं Al आपके पास कितने हैं, यहां पर डिफरेंट, यहां पर पहले तो चार्जेस निकालते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री आएगा और यही यहां पर आएगा माइनस टू, ठीक है। यहां पर कितने Al है, 4/3 Al है, यहां पर भी 4/3 Al है, यहां पर Al का जो चार्ज है वो है जीरो। हां जी, डिफरेंस कितना आया, थ्री में और जीरो में थ्री का डिफरेंस है, तो एक Al के लिए थ्री का डिफरेंस है तो 4/3 Al के लिए कितने का डिफरेंस होगा, 4/3 इंटू थ्री फोर का डिफरेंस आएगा, क्लियर। हां जी, ऐसे ही हम इसके साथ करते हैं, ऑक्सीजन के केस में देखते हैं, ऑक्सीजन यहां पर हमारे पास है 2/3 इंटू थ्री, टू ऑक्सीजन है, यहां पर भी कितने हैं टू ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का यहां पर जीरो है ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस टू है और जीरो है, तो एक ऑक्सीजन का जो डिफरेंस है वो कितना है टू है, टोटल हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं टू है, एक ऑक्सीजन का टू है तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा फोर होगा, ठीक है। तो यहां से भी डिफरेंस क्या आ रहा है, फोर आ रहा है, और ये डिफरेंस को हम क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग, तो एन की वैल्यू यहां पर आ रही है हमारे पास फोर, ठीक है। इस केस में उसने बोला है मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डेल जी की वैल्यू मिनिमम कहां से आएगी, अगर मैं सिक्स लेता हूं तो वो आएगी ज्यादा मैक्सिमम, अगर मैं फोर लेता हूं तो वो आएगी मिनिमम, तो मुझे एन की वैल्यू क्या लेनी है फोर, क्लियर है, इसलिए उसने मिनिमम वर्ड यूज किया है। हां जी, अब हम निकाल सकते हैं, तो ये आपके पास आ चुका है, आपको पता है डेल जी होता है आपके पास माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, माइनस एन एफ ई सेल आपके पास होगा। हां जी, वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल जी क्या है, हां जी डेल जी नोट नहीं लिख सकते अब इसको हम, क्योंकि उसने टेम्परेचर दे दिया हमें, ठीक है, अगर 298 केल्विन टेम्परेचर होता तो मैं डेल जी नोट भी लिख लेता, स्टैंडर्ड कंडीशन उसने नहीं दी है, तो डेल जी की वैल्यू है 960 किलो जूल, किलो जूल में दिया उसने, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस फोर, एन की वैल्यू क्या लेनी है फोर, 96,500 कूलम पर मोल इंटू ई सेल, क्लियर है। हां जी, यहां पर हम वैल्यू चेंज करेंगे, किलो जूल है, जूल में कन्वर्ट करते हैं, 960 जूल आ गया इज इक्वल टू
माइनस फोर इंटू 96500 कूलम पर मोल इंटू सेल। ठीक है, जूल को क्या लिख सकता हूं मैं, जूल किसके बराबर होता है, कूलम इंटू वोल्ट के। ठीक है, कूलम इंटू वोल्ट के बराबर होगा, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं और कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा वोल्ट में। ए सेल इज इक्वल टू 96000 डिवाइड बाय माइनस फोर इंटू 96500। ठीक है, और हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा -2.487 वोल्ट। क्लियर है, माइनस फिर उसने बोला है कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि मुझे पता है जो माइनस है वो एनर्जी टर्म के लिए यूज हुआ है, तो हम बोल सकते हैं मिनिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस यूज होगा इसको कन्वर्ट करने के लिए वो कितना होगा 2.487 वोल्ट। क्लियर है, ठीक है, तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम करते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस इस तरह से ही इसको करना है। थैंक यू फॉर कॉम्पिटिशन।